Hey guys, welcome to my wrestling channel. तो guys, बहुत ज़्यादा अपडेट है सीएम पंक से, रैंडी ऑर्टन से, हमारे रॉयल रंबल से, स्मैकडाउन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है एंड ब्रॉक लेसनर. तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब पहले. तो गाइस फर्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से. तो गाइस स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई है इस बार 1.95 मिलियन. तो गाइस ये कमी है 2 मिलियन से, क्योंकि पहले आती थी स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2 मिलियन, क्योंकि जो फॉक्स है वो USA का टॉप ब्रांड है जहाँ पर स्पोर्ट्स चलते हैं. तो गाइस इस बार S1 पे नहीं थी, इस पर मेन स्पोर्ट पे थी. तो गाइज देखो व्यूअरशिप तो कम है, रैंडी ऑर्टन आए थे, उन्होंने सेगमेंट प्रोमो कट किया, लेकिन देखो गाइज नेक्स्ट टाइम अच्छी व्यूअरशिप आएगी तो क्या वो 1.95 मिलियन आए. तो गाइज हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है वो जुड़ी है सीएम पंक से. तो गाइज रॉयल रंबल के अर्ली बैटिंग ऑर्ड्स आ चुके हैं, जिसमें सीएम पंक क्लियर फेवरेट हैं एंड कोडी रोड्स दोनों में टाई अप है कि वो रॉयल रंबल जी सकते हैं. एंड भाई साहब कितने मार्जिन से आगे, आप देख नहीं सकते, सोच नहीं सकते भाई सब टॉप में आ रहे हैं, सीएम पंक नंबर 1 पे. एक तो पता है आपको 10 साल बाद रिटर्न हुआ है, एक हाइप जनरेटेड रिटर्न हुआ है, दूसरा इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए सोशल मीडिया पे, अब रॉयल रंबल पे एंड मर्चेंडाइज में भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए सीएम पंक ने. तो ये कुछ सीएम पंक से अपडेट है, आगे एक और अपडेट है मैं आपको बाद में बताता हूँ. नेक्स्ट अपडेट जुड़ी है बेली से. तो गाइस बहुत से स्पेकुलेशन की बेली हगर वाला करेक्टर वापस लाएगी, जो पहले उनका करेक्टर हुआ करता था. मुझे नहीं लगता अब हगर वाला करेक्टर वापस आएगा, क्योंकि वो बहुत टाइम हो गया. एंड गाइस बेली ने इसी करेक्टर के साथ डब्ल्यू स्मैकडाउन वुमेन का रन किया था, बड़े वाला जो सबसे बेस्ट रन था उनका, एट थंडर डोम में भी किया था. तो गाइस मुझे नहीं लगता वो करेक्टर वापस आएगा जो हगर वाला करेक्टर था, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय कर चुके डब्ल्यूली. तो गाइस हमारी नेक्स्ट अपडेट है सीएम पंक से. तो गाइस सीएम पंक की अर्ली र्यूमर यही है कि वो सेथ फ्रीकर रोलंस से फाइट करेंगे, एंड उनका एक हो भी चुका है सेगमेंट का प्रोमो सा, मतलब कट कर लिया हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, रिकॉर्ड कर लिया हुआ, जिसमें सेथ रोलंस अपना बताएंगे कि वी वॉन्ट सीएम पंक, आई वॉन्ट सीएम पंक. तो गाइज उसमें कर चुकी है डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले ही. तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की अर्ली जो है अर्ली मतलब स्टोरी लाइन वो सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड मेन इवेंट रसलमेनिया, यही मैच है कंफर्म, यही है. वो स्टोन कोल्ड के साथ नहीं करना चाहते फ्यूड, तो बहुत से सोर्स कह रहे हैं स्टोन कोल्ड के साथ होगा, ऐसे होगा, बट मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई पहले ही यह डिसाइड करके रखा है सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस होगा वर्ल्ड हैवी वेट टाइटल के लिए इन रसलमेनिया. तो गाइज उसी स्टोरी पर वो फोकस करेंगे एंड किसी और स्टोरी पर पास नहीं जाएंगे. तो गाइज ये अपडेट सीएम पंक से. तो हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है अलेक्सा ब्लिस से. तो अलेक्सा ब्लिस ने आपको पता है अपने चाइल्ड को मतलब इस दुनिया में वेलकम किया है. एंड गाइज बहुत जल्दी उनका भी आ जाएगा, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि 7 मंथ उन्होंने मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई से दूर रहे, तो वो उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सटेंड हो जाएंगे. एंड गाइज बहुत जल्दी अलेक्सा ब्लिस वापस आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, क्योंकि उन्हें हील करनी होगी अपनी बॉडी, वापस अपनी बॉडी को एक मतलब शेप में लाना होगा, तभी वो वापस आएंगे. लाइक जैसे बैकी लेज का हुआ था, वैसे ही अलेक्सा ब्लिस का भी होगा. एंड गाइस हमारी एक अपडेट जेडा कारगिल से भी है. तो जेडा कारगिल भी रॉयल रंबल में अपना डेब्यू कर सकती हैं बहुत ही जल्दी, तो ये ऑफिशियल अपडेट है. तो गाइस जेडा कारगिल आपको पता है उनसे, उन पर भी मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ. तो गाइस उनका होने वाला है रिटर्न जल्दी, क्योंकि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका एक रिटर्न बेस्ट वे से बुक करना चाहती है. तो मुझे लगता है रॉयल रंबल में आ सकती है, इवन वो रॉयल रंबल जीत भी सकती है, बैकी लेजी सॉरी बेली भी जीत. एक और अपडेट भी है जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस सीएम पंक हो सकता है वंस मोर टाइम. तो मुझे नहीं लगता यार ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक है. तो डब्ल्यूडब्ल्यूई और कोई पसंद नहीं चाहती इसमें, डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं चाहती कि ब्रॉक लेसनर के साथ उनकी फ्यूड करवा दी जाए. हाँ इन फ्यूचर हो सकती है कि वो वर्ल्ड टाइटल जीत जाए और फिर उनकी फ्यूड हो, पर मुझे नहीं लगता कि अब होगी किसी और के साथ फ्यूड की. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्रायोरिटीज़ सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस इन रसलमेनिया 40 मेन इवेंट फर्स्ट नाइट, यही होने वाला है. तो ये अपडेट से अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना.